तुम्हारा बीइंग इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा अस्तित्व, तुम्हारा होना महत्वपूर्ण है। तुम यदि अपनी धारणाओं को लेकर के जाओगे, अपनी धारणाओं के अनुसार चलोगे, जो तुम चाहते हो वैसा खोजोगे, तो तुम बहुत कुछ चूक जाओगे। और बहुत संत हुए हैं जो तुम्हारी धारणाओं से बिल्कुल मैच नहीं खाते हैं। जॉर्ज गुरजेफ, यदि तुम इसका नाम सुने हो, जॉर्ज गुरजेफ तो बड़ा आवारा संत था, इसको लोग आवारा संत की उपाधि देते थे। जॉर्ज गुरजेफ के पास रहना तो बहुत ही कठिन था। वो ऐसी ऐसी हरकतें करता था कि अच्छे अच्छे दिल मिला जाए, अच्छे अच्छे भाग छूटें। यदि तुम बड़े धार्मिक हो, तुम सोचते हो कि मैं धार्मिक, मैंने इतना अच्छा काम किया, तुम मांस नहीं खाते, तुम दारू नहीं पीते, तुमने अपने शाकाहारी होने पर गर्व है, तुम ऐसा सोचते हो मैं शाकाहारी हूँ, मांस नहीं खाता, और तुम गुरजीफ के पास गए, और गुरजीफ के पास ऐसा हुआ भी कि आदमी पहुँचा, और बहुत पहुँचते थे। गुरजीफ के पास पहुँचा वो आदमी, उसने कहा मैं ऐसा 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 हूँ, मैंने अभी तक ये सब किया। तुम बताते हो, किसी भी यदि गुरु के पास जाते हो, किसी के पास जाते हो, तो अपने बारे में कुछ बताते हो। वह भी बताने लगा ऐसा ऐसा, तो गुरजीफ ने कहा ऐसा कर, तुम मांस खा और शराब पी, संभव है जब कोई आदमी ऐसी बात सुनेगा जो अपने आप को धार्मिक मान रहा है, मांस नहीं खाता, दारू नहीं पीता, साकार पे टिका हुआ है और अपने आप पे गर्व करता है, उसको गुरु कह रहा है मांस खा और दारू पी, वो तो भाग ही छूटेगा। और भाग भी गया। गुरजीफ के पास ऐसा आदमी आया, वो भाग गया कि पागल है ये आदमी, पता नहीं क्या चाहता है, मांस खा दारू पी उसके बाद बात करेंगे। शिष्य ने पूछा भी कि क्या कर रहे हो, इसका क्या प्रयोजन है। गुरजीफ ने कहा कि ये जो धार्मिक होना, मैं मांसाहार नहीं करता हूँ, मैं शराब नहीं पीता हूँ, मैंने इतनी नैतिकता पाल रखी है, मैं इतना अहिंसक हूँ, ये जो बातों का, इन बातों का इसने जो अहंकार पाल रखा है, इस अहंकार को तोड़ना होगा, ऐसे काम न चलेगा। इसका ये जो अहंकार है, इसने ये जो अहंकार पाल रखा है, इस अहंकार को तोड़े बिना ये आदमी उस परम तक ना पहुँच सकेगा। इसके पास तो अहंकार है, अहंकार भरा है इन बातों में, तो पहले ये अहंकार टूटे। और गुरजेफ के पास ऐसे कई लोग आए जिनको उसने कहा कि पहले मांस खाओ शराब पियो, और वो जैसे ही पीने को होते गुरु ने कहा है तो करना है, पीने को होते गुरजेफ रोक भी देता था कि अब जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अहंकार ही तो तोड़ना है। और वो तो ऐसा था कि यदि तय करता कि 8 बजे बोलेगा, 8 बजे से वार्तालाप चालू करेगा, तो इतने लोग इकट्ठे होते, उस समय करीब 400-500 लोग लंदन जैसे शहर में भी इकट्ठे हो जाया करते थे। लेकिन उसका एकदम पंक्चुअल समय बिल्कुल फिक्स था कि 8 बजे, तो 8 बजे उसके बाद गेट बंद। थोड़ा बहुत इस बात का तुम्हें भी अनुभव है कि मैं तुम्हें जो समय देता हूँ उसके बाद गेट बंद। और कई बार ऐसा हुआ, कई लोग अभी बाहर खड़े रहे, आज का तो पता नहीं, पर आज के तीन बारों में ऐसा कई बार हो चुका है, कई लोग बाहर खड़े रह गए, उन्हें फिर आने ही नहीं दिया गया। लेकिन मैं इतना आवारा नहीं हूँ जितना गुरजेफ था। गुरजेफ 8 बजे का समय देता, लोग आ जाते, इकट्ठे हो जाते, कोई 500 लोग करीब इकट्ठे हो गए हैं, उसके बाद लोग 8:30 तक इंतजार करते, 8:30 के बाद 9 बज जाते, 9:30 बज जाते, 10 बज जाते, 10 बजे कोई शिष्य आता और कहता गुरजीफ अभी थोड़ी देर में आते ही होंगे, थोड़ा और इंतजार करो, 11 बज जाते, 11:30 बज जाते, फिर कोई एक और शिष्य आता और बोलता आज गुरजीफ यहाँ ना बोलेंगे, यहाँ से 200 किलोमीटर दूर एक जगह है,
भीलवाड़ा वहां बोलेंगे, मान लो भीलवाड़ा बोलेंगे, अब वो 500 लोग जो 11 बजे तक इंतजार किए हैं, 11:30 बजे तक इंतजार किए, उनसे कहा जा रहा है 200 किलोमीटर दूर जाओ, सुबह के 4 बजे बोलेंगे। अब इतने लोगों में से ज्यादातर का सब्र तो टूट जाता, उनमें से कोई 50-50 लोग वहां पहुंचते, 4 बज जाते, 4 बजे पहुंच गए हैं, वहां इंतजार करते, 4 से 6 बज गए, 6 से 8 बज गए, फिर उन्हें कहा जाता, पहले तो आ रहे हैं, फिर उन्हें कहा जाता अब वो यहाँ से करीब 400 किलोमीटर दूर है, अब वो वहाँ बोलेंगे, आदमी का तो सब्र पूरा ही टूट जाता। कोई 2 या 4 लोग उनमें से पहुँच पाते, फिर वो जो 2 और 4 लोग पहुँचते, कोई 4 लोग गिनती भर के पहुँचते, 500 में से 4, उन 4 को गुरुजेव कहता अब मैं इन्हें सिखाऊंगा, क्योंकि बाकी के लोग तो सिर्फ मनोरंजन के लिए आए थे, और वो उनको सिखाता, उनसे बात करता, उनसे सत्य की चर्चा करता। गुरुजेव जो था, ऐसे एक काल में कई कई गुरु होते हैं जो ज्ञान को उपलब्ध हो जाते हैं, एक ही काल में कई गुरु हो सकते हैं, लेकिन ऐसे गुरु जो होते हैं वो ऐसा नहीं है कि उनको लोग जान लेते हैं, उनको जानते हैं उनके शिष्यों के कारण। जैसे रामकृष्ण परमहंस थे, उन्हें कोई नहीं जानता यदि विवेकानंद न होते, विवेकानंद थे इस कारण लोग रामकृष्ण परमहंस को जान पाए। गुरुजेव जो था, गुरुजेव को कोई ना जान पाता यदि ओस्पेंस्की ना होता। ओस्पेंस्की इसके शिष्यों में एक शिष्य था, ओस्पेंस्की जो था एक बहुत बड़ा दार्शनिक था, गणितज्ञ था, उसने कई किताबें लिखी थी। ओस्पेंस्की की श्रद्धा बहुत थी गुरुजीव में। गुरुजीव के पास जब वो आया, उसने गुरुजीव से बातचीत करना चाहा, गुरुजीव 4 दिन तो उससे मिला ही नहीं, जैसे समय ही नहीं है। और वो देखता कि गुरुजीव गार्डन में जा रहा है, पेड़ पौधे देख रहा है, गुरुजीव जो है और लोगों से बातचीत कर ले रहा है, खाना बना रहा है, लेकिन समय नहीं है। 4 दिन तक उसे इंतजार कराया, लेकिन ओस्पेंस्की भी सब्र बांधे था, ओस्पेंस्की भी इंतजार करता रहा, और 4 दिन के बाद जब गुरुजीव उससे मिलता है तो उससे कहता है, इतनी तुमने दर्जनों किताबें लिखी थी, तुम बड़े गणितज्ञ विचारक, एक छोटा सा, इतना सा जैसे नोटपेड का कोई पर्चा होता है, वो देखकर के बोलता है कि लो लिख दो, जो जो तुम जानते हो, जिसका तुम्हें पता है, जिसका तुम्हें ज्ञान है, इस कागज पर लिख दो तुम क्या जानते हो, क्योंकि जो तुम जानते हो उस बारे में हम चर्चा ना करेंगे। इतना सा कागज, इतना बड़ा जानकार आदमी, इतना ज्ञानी आदमी, इतना सा कागज, उसको तो बड़ी बेइज्जती महसूस हुई कि इतना सा कागज एक टुकड़ा दे दिया कि क्या जानते हो। लेकिन ओस्पेंस्की उस टुकड़े को लेकर के बैठा रहा, 2 घंटे बीत गए, 3 घंटे बीत गए, दोनों चुपचाप बैठे हैं, 3 घंटे बीत चुके हैं। ओस्पेंस्की के आंखों में आंसू आ गए, उसने कहा लगता है मैं कुछ नहीं जानता, क्योंकि जो जानता हूँ वो सब उधार है, कहीं से लिया है, कुछ सीखा है, मेरा कुछ नहीं है जिसे मैं जानता हूँ, मैं सीखने आया हूँ। उसके बाद वार्तालाप चालू हुई। ओस्पेंस्की ज़्यादातर उनके साथ रहने लगा, उनके बारे में किताबें लिखने लगा, उनको सबको नोट करने लगा वो क्या क्या कहते हैं। एक बार ट्रेन में सफर कर रहा था, बड़ा ऐसे लोगों के साथ रहना बड़ा खतरनाक होता है, कुछ भी कर सकते हैं। ट्रेन में सफर कर रहा था, जब खाने का समय हुआ तो गुरुजेव बाहर गया, बाहर जाकर के झूमने लगा, जैसे तो उसने कुछ शराब पी ली हो, और एक महिला के ऊपर जाकर के शराब अपनी खाली कर दी सर पर। ओस्पेंस्की तो घबरा गया, ये क्या कर दिया, बड़ी लड़ाई होने लगी, धक्कम मुक्की होने लगी। उसने बड़े मुश्किल से उसको बचाया कि ये कोई शराबी नहीं है, ज्ञानी आदमी है। लोग कहते ज्ञानी है, बड़ा ज्ञानी बनता है, झूम तो ऐसे रहा है, शराब माथे पर खाली कर दी, प्रयोजन क्या था, मैंने किया क्या था। बड़ी मुश्किल से अंदर लेकर के गया, थोड़ी देर हुई, उसको समझाया गुरुजेव को ऐसा मत करना, दोबारा मैं ऐसा ना कर सकूंगा, ओस्पेंस्की समझा रहा है।
गुरजेफ को, ऐसा क्या कारण था? क्योंकि बड़ा सोबर होकर के बैठ गया, जैसे उसने कुछ किया ही ना हो, कोई दारू ही ना हो, नशा ही उतर गया, आकर के बैठा बड़ा शांत, और बाहर ऐसे झूम रहा था जैसे बिल्कुल पियक्कड़, जबकि पी नहीं थी। दोबारा बाहर गया, खाने का समय हुआ, सस्पेंस की बहुत समझा कर लेके गया, लेकिन अब बाहर जाकर के उसने एक नई चीज की, एक सूटकेस था, उस सूटकेस को फेंक दिया। लोग तो कहने लगे, सूटकेस बाहर फेंक दिया चलती ट्रेन से, पागल है आदमी। सस्पेंस की बोला, ये आप क्या कर रहे हैं, किसी का सूटकेस फेंक दिया, आप जिसका सूटकेस है वो कितना तकलीफ पाएगा। गुरजेफ मुस्कुराया, बोला, किसी का नहीं, तुम्हारा ही था। उसने तो सर पकड़ लिया, मेरा सूटकेस, मैंने 2 वर्ष तुम्हारे साथ रह के कुछ किताबें लिखी थी कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ लिख सकूं। उसने कहा, अरे भूल जा, वार्तालाप तो अब होगी, तू क्यों लिखता है। कोई दर्जनों किताबें लिखी ओस्पेंस्की ने गुरजेफ के ऊपर, लेकिन वो इस तरह की हरकतें करता ही रहता था। विश्व युद्ध का समय था और इधर उधर आना जाना मुश्किल था। उस समय ओस्पेंस्की जो था वो लंदन में था, और गुरजेफ जो था खुद के पैतृक गांव में, रशिया के आसपास एक छोटा गांव है, रशियन प्रोविजेंसी में आता है, वहां पर ठहरा हुआ था। उसने एक तार भेजा कि आजा मेरे पास, अब गुरु ने बुलाया है तो जाना होगा। तार आया, गुरु बुलाता है, गुरु ने बुलाया है तो जाना है। वो इतनी मुसीबत में उस विश्व युद्ध के समय में लंदन से यूरोप पहुंचा, यूरोप से होता हुआ रशिया की तरफ गया, गांव में पहुंचा, बॉम्बार्डिंग हो रही है, कहीं क्या हो रहा है। गुरजीफ के पास पहुंचा, गुरजीफ ने देखा उसे और कहा, आ गए तुम, अब जा सकते हो। वो बड़ा नाराज हुआ, बड़ा नाराज होकर बोला, ऐसी परिस्थिति में मुझे बुलाया, मुझे लगता था आज तो कुछ बता ही दोगे, सत्य की चर्चा करोगे, तुम बोल रहे आ गए तुम, अब जा सकते हो। वो वहां से बड़ा नाराज लौट गया, बड़ा गुस्सा हुआ। उसने विरोध में अब किताबें लिखी, अब तक तो पक्ष में लिखी थी गुरजीफ के, अब विरोध में किताबें लिखने लगा। गुरजीफ कहता है, यह आदमी सत्य के इतना करीब था कि जैसे बस द्वार खुल ही गए, मैंने इसे कहा था वापस चला जा, यदि ये चला गया होता तो ये सत्य को पा लिया होता, लेकिन ये मुझ पर संशय कर लिया। इस आखिरी घटना में इसे मुझ पर संशय हुआ, इतना इसने मुझे संभाला, लेकिन आखिरी में आकर के ये चूक गया, ऐसा बहुत दफे होता है। गुरजीफ बोलता है, ऐसा बहुत दफे होता है। गुरजीफ के किस्से अनेक हैं। एक बार गुरजीफ के पास क्या हुआ कि एक संगीतज्ञ महिला आई, वो बड़ा संगीतज्ञ थी, संगीत की अच्छी जानकार थी, और जैसे कि गुरु के पास जाते हैं तो सब गहना वगैरह पहन के जाते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं देखने वाले, तो हम सज संवर के गहने गांठे पहन के निकलते हैं। वो भी अच्छे गहने वहने पहन करके आई थी, गुरजीफ से जानना चाहती थी सत्य के बारे में। गुरजीफ ने जब उसको देखा, देख करके एक रुमाल आगे रखा और कहा, ये सब गहने वहने उतार, इसमें रख। उसने देखा, ये क्या बात है, उसने अपने गहने वहने जो भी पहन रखे थे सब खोले, उस रुमाल में रखे। गुरजीफ ने वो रुमाल बांधा और अपनी जेब में रख लिया, बोला, अब बात कर। उनकी वार्तालाप भी हुई, बातचीत भी की, उसने बातचीत की, और ये सुबह वार्तालाप हुई। सांझ को जब वो महिला उनके पास ठहरी हुई थी, सांझ को जितने गहने थे वो सब भेज दिए। महिला ने देखा रुमाल खोल करके, तो गहने जितने उसने दिए थे उससे 2-4 ज़्यादा ही दे दिए थे गुरजीफ ने, और अपनी तरफ से मिला दिए और उसे पहुंचा दिए। जब ये घटना घटी तो एक और महिला कोई 10-15 दिन बाद आई, उसने इधर उधर इंक्वायरी की कि क्या होता है, तो पता पड़ा गुरजीफ जो है इस तरह से गहने ले लेता है, और फिर उसे पता पड़ा लेकिन वो दे भी देता है, थोड़े ज़्यादा भी दे देता है। उसने सोचा फिर तो ठीक है, वो सारे जितने घर में थे सारे ही गहने पहन के आ गई, क्योंकि ज़्यादा भी तो मिल सकते हैं, सारे पहन करके आई। गुरजीफ ने उसे देखा, देख करके वही, खोल तेरे गहने, रख इसमें। उसने रखे, गुरजीफ ने वो रुमाल जेब में रखा और हड़प गया।
कभी वापस ना दिए, खा गया वो सब, ले गया। धोखा दोगे तुम गुरु को? कैसे दोगे? जो तुम देना चाहोगे, जो तुम धोखा देने की कोशिश करोगे, वो तुम्हें ही मिलेगा।